चलो करते हैं अपना वाला स्टार्ट। तो अभी जो मेरी लोकेशन है वो है हापर में। तो अभी हमने मतलब लखनऊ बाईपास को पकड़ लिया, तो पूरे रात को चल रहा था सर। तो गाड़ी भाई ने भी मुझे आज मदद किया गाड़ी चलाने को। तो रात के 3 बजे 4 बजे तक हम सोया था, तो फिर 4 बजे 5 बजे के बाद मैंने गाड़ी खुद ही चलाया। तो अभी बस ना धो के आए हैं, तो अभी नाश्ता करेंगे यहाँ पे। और ऊपर से ना मेरे साथ तीन गाड़ियाँ हैं, हम दो गाड़ियाँ लखनऊ का और एक गाड़ी गाजी भाई जो है उसका, तो यहाँ गोरखपुर का माल है। तो चलो फिलहाल चलते हैं सीधा ढाबे के पास, तो वहाँ पे नाश्ता करेंगे, तो फिर उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। वो देखो भाई, वो है मेरा हीरा और ये है दानिश भाई का गाड़ी और ये है शाहिद भाई। तो चलो फिलहाल चलते हैं, फिलहाल नाश्ता करेंगे, तो उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू। ये देखो भाई, महराज भाई है, पूरे रात को इसने गाड़ी चलाया, अभी नींद से उड़ गया। ये देखो भाई, ये है ढाबा, मुसलमान ढाबा है। यहाँ पे बिरयानी रोटी वोटी सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ये देखो भाई, हो गया बिरयानी स्टार्ट। ये देखो भाई, दानिश भाई, जाहिद भाई और सहराम भाई। और ये है शाहिद भाई। हो गया भाई बिरयानी चाय। तो बस अभी यहाँ पे सफाई हो रही है, ये आप देख सकते हो। तो निकल गया भाई हम ढाबे से, तो अभी हम 1-2 किलोमीटर आगे जाके हम निकल गए। तो अभी यहाँ पे हम पहुँच गए, तो यहाँ पे देखो पूरा रोड ब्लॉक है। तो अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से कम 10-15 किलोमीटर रोड ब्लॉक है। तो अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ किस वजह पे रोड ब्लॉक है। तो अभी फ़िलहाल हमने गाड़ी साइड में रखी है, तीनों गाड़ी। तो ये आप देख सकते हो, पीछे भी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, पूरे 2 घंटे हो गए हैं जाम में। तो ये देखो भाई, ये जो 3 लाइन है, तीनों का तीनों ब्लॉक ही है। और उस साइड लिंक रोड है, वो भी मेरे ख्याल से बंद है। तो चलो फिलहाल देखेंगे। ये देखो भाई, ये जो लिंक रोड है, ये भी बिल्कुल ब्लॉक है। ये देखो भाई, और हो गया भाई खाना की तैयारी। हाँ भाई, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। अभी टाइम लगेगा? हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो ठीक है भाई, सब्जी वब्जी क्या लाया? अच्छा, अब लाया आलू। तो अभी छोड़ गया गाड़ियों को कम से कम 3-4 घंटे के बाद। अभी देखेंगे आगे किसका जाम होता था। तो फिलहाल रखते हैं अपना सफर कंटिन्यू। ये देखो भाई किसका जाम था। तो अभी भी यहाँ पे हल्की हल्की सी गाड़ियाँ चल रही है। तो ये जो यहाँ पे लोग हैं, ये यहाँ पे नहाने के लिए आए थे, यहाँ पे गंगा है, गंगा में मतलब नहाने के लिए आए थे, तो उसी का जाम था यहाँ पे। ये देखो भाई, दोनों तरफ जाम लगा हुआ है, दोनों तरफ रोड ब्लॉक है और हल्की हल्की सी गाड़ियां चल रही है। गंगा तो यही था, तो इसी का जाम था। तो बस अभी ये जो पुल है ना, ये पुल क्रॉस करते ही फिर आगे जाम, मतलब जाम नहीं कोई भी होगा।
हो गया भाई पुल क्रैश, तो बस जाम भी ख़त्म हो गया। तो फिलहाल रखते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। तो अभी आगे आगे जाके कई अच्छी जगह पे खाना खाएंगे। तो इस वक्त बज गए दिन के 12:30, तो कम से कम 1-1.5 बजे तो हम खाना ही खाते हैं। चलो फिलहाल बिल्कुल पहुंच गए हम रामपुर। ये आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे गन्ने का जूस पियेंगे। अभी तो फिलहाल हमारा सफर कंटिन्यू है। तो बस अभी हम बरेली पहुंच गए। तो आज ना जो पीछे जाम था उसने तो पूरा टाइम खराब कर दिया। तो आज मेरे ख्याल से रात के 12-1 बजे तक मंडी लखनऊ मंडी पहुँच जाएंगे। तो चलो क्या करते हैं, आज तीसरा दिन कंटिन्यू, मतलब पूरे रात को चल रहा था। तो ये आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। तो ऊपर से ना जब हम घर से ही निकल गए तो घर से ही मतलब हम जाम में फंसा था। तो उसी की वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पे भी जाम में इसीलिए फंस गए। आज मैंने हीरो को भी वॉच नहीं किया है क्योंकि टाइम नहीं मिला है। और यहाँ पे देखो ये शाहिद भाई है, आज मेरी गाड़ी में सोया था तो उसने बोला मैं आपकी गाड़ी में सो जाऊँगा। तो चलो फिलहाल तो रखते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। तो मान लो यहाँ से कम अभी 250 किलोमीटर है लखनऊ मंडी तक। तो रात के 1-2 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल रखते हैं सीधा कंटिन्यू यहाँ से सफ़र। अभी फिलहाल हम यहाँ से कोई स्टॉप नहीं करेंगे, बिल्कुल एक स्टॉप करेंगे, वो चाय पियेंगे। तो उसके बाद वो शीशे वगैरह साफ करना है, तो फिर चलते हैं। तो चलो करते हैं व्लॉग बंद। तो दीजिए इजाज़त अपने मस्तमंदा व्लॉग को खुदा हाफिज़। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन बटन भी दबाना, लाइक शेयर कमेंट करते ही जाना। बाय।